हेलो गाइस, आई होप आप सब वैक्सीन ले चुके होंगे, और नहीं लिए हो तो ज़्यादा देर ना करके जल्दी स्लॉट बुक करो और जाके टीका माथे पे नहीं जहाँ लगाना है वहाँ लगा के आ जाओ। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो एक मराठी मूवी है, और मराठी मूवी इंडस्ट्री की वो पहली मूवी जिसने 4 करोड़ बजट में बॉक्स ऑफिस में 100 करोड़ बहुत कम समय पर पार कर दिया था, वो है सैराट, जिसको डायरेक्ट किए हैं नागराज मंजुले एंड प्रोड्यूसर भी वही है। मैं इस मूवी का रिव्यू करने का एक ही मकसद है, वो मेरा प्यार फॉर आर्ची और पार्श्व की एक्टिंग। अरे मैं इनके मूवी वाला नाम बता दिया, असली नाम तो गूगल में मिल जाएगा। तो ये एक रोमांटिक ट्रेजेडी मूवी है, रोमांटिक है तो लड़का और एक लड़की होना चाहिए। इसमें लड़का है प्रशांत काले जो एक मछुआरा का बेटा है, और लड़की अर्चना पाटिल जो एक अपर क्लास एंड अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है। जाहिर सी बात है ये एक नामुराद वाली प्रेम कथा है, मगर ये दोनों उस सिस्टम से भी भिड़ जाते हैं, तो यहाँ आपको पता चलेगा प्यार कितना अंधा और गहरा होता है। आप ऐसे बहुत पुराने मूवी देखे होंगे, एक गरीब लड़का एक अमीर लड़की भाग जाते हैं, शादी कर लेते हैं भाग के, फिर प्रॉब्लम आती है वगैरह वगैरह। मगर सैराट को खास बनाता है इसका वेल रिटन स्टोरी एंड सिनेमाटोग्राफी। आप इसमें अपने आप को ढूंढने की कोशिश तो जरूर करें, चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो, चाहे वो प्यार के डायलॉग्स, चाहे वो गांव के वो फाइट्स। इसमें इन दोनों ने ऐसे एक्टिंग किए हैं आपको लगेगा नहीं कि कोई मूवी चल रही है आपके सामने। स्पेशली आर्ची की एक्टिंग, अर्चना पाटिल आर्ची तो इतनी फाइनेस्ट एक्टिंग की है वो, आप बिलीव नहीं कर पाएंगे। इस मूवी की स्टोरी जितने फेमस है उतने उसके गाने भी, चाहे आपका झिंगाट हो, चाहे यार्ड लागला या सैराट सालाजी, अजय अतुल ने जैसे इन सब गानों में अपना जान डाल दिए। एंड वी ओनली रिकमेंड सैराट मराठी नॉर धड़क हिंदी। मुझे तो उसका यार्ड लागला म्यूजिक इतना पसंद है, मैं सोचा उसको मेरा वीडियो का बैक म्यूजिक बना दो, बट कॉपीराइट है बॉस, चैनल बंद हो जाएगा। तो इसी के साथ आज के रिव्यू टन हम चलते हैं, फिर मिलेंगे नए दिन के साथ और एक नई रिव्यू को लेके। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कोई बात नहीं, आराम से करना टाइम निकाल कर, कोई आफत नहीं आ रही है बॉस। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। बाय बाय, नमस्ते, खुदा हाफिज, लव यू ऑल।